Hello friends, welcome to today's lecture about hypopituitarism. Hypopituitarism is characterized by decreased production of hormones by the anterior pituitary gland. The signs and the symptoms of hypopituitarism would depend करता है कि कौन सा hormone decrease हुआ है. And decrease of the hormone can be one or more of the six hormones जो कि secrete होता है by the anterior pituitary. तो six hormones anterior pituitary secrete करता है, उसको याद करने के लिए there is a wonderful mnemonic which is flat pig. इसमें जो F होता है, it stands for follicular stimulating hormone. The L stands for luteinizing hormone. The A stands for adrenocorticotropic hormone. The T stands for thyroid stimulating hormone. And P and I together stands for prolactin. There is the G stands for the growth hormone. Usually जो symptoms होते हैं वो तभी arise होते हैं अगर 75% से ज़्यादा pituitary की जो parenchyma है वो loss हो चुकी है तब. Now let us study about the causes of hypopituitarism. So the first one is pituitary adenoma जो mostly adults में पाया जाता है and the second one is craniopharyngioma जो mostly childrens में found होता है. Actually क्या होता है कि अगर जैसे कि ये सेला तुर्सिका है और यहाँ पे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड सेला तुर्सिका में हैंग करता है, तो अगर कोई भी कैंसर ग्रो होता है इस एरिया में तो उससे क्या होता है, समझ, सपोज दिस इज द कैंसर सेल्स विच आर ग्रोइंग रैपिडली इन दिस एरिया. सो दिस विल सप्रेस द नॉर्मल पिट्यूटरी सेल्स. जो नॉर्मल पिट्यूटरी सेल्स हैं उनको भी सप्रेस कर देंगे और उनको फंक्शन नहीं करने देंगे, तो वहाँ से फिर हॉर्मोन्स रिलीज नहीं होंगे और इसकी वजह से फिर हाइपोपिट्यूटरिज्म हो जाता है. नेक्स्ट जो इनके कॉजेज है वो है शीहान सिंड्रोम, एम्प्टी सेला सिंड्रोम एंड पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी. ये तीनों ही बहुत ही ज़्यादा हाई यील्ड और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हम इन तीनों के बारे में एक के बाद एक प्रॉपरली आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे. और ब्रेन इंजरीज की वजह से भी हो जाता है हाइपोपिट्यूटरिज्म. अगर कोई भी ब्रेन इंजरी की वजह से ये जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो अफेक्ट हुआ तो उसकी वजह से भी हाइपोपिट्यूटरिज्म हो जाएगा. सेम इज द केस विथ रेडिएशन. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट शीहान सिंड्रोम. शीहान सिंड्रोम को पोस्टपार्टम पिट्यूटरी ग्लैंड नेक्रोसिस भी कहा जाता है. पोस्टपार्टम का मतलब आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी जो मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो नेक्रोस करना शुरू कर जाती है, डाई करना शुरू कर जाती है. अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज प्रेगनेंसी के दौरान पिट्यूटरी ग्लैंड का एक सेल जो होता है जिसका नाम है लैक्टोट्रोफ, वो अपने साइज और नंबर में इंक्रीज हो जाता है. क्यों इंक्रीज होता है? ताकि वो प्रोलैक्टिन रिलीज कर सके, ताकि वो मैमरी ग्लैंड को प्रिपेयर कर सके फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. बट क्योंकि सिर्फ लैक्टोट्रॉफ या फिर सिर्फ ग्लैंड की साइज डबल होती है और ब्लड सप्लाई उतना ही रहता है, तो ब्लड सप्लाई जो पहले छोटे से ग्लैंड के लिए था वो अब इनसफिशियंट हो जाता है बड़े और डबल साइज ग्लैंड के लिए. तो इसकी वजह से जो दूसरे सेल्स है और वो ही जो एनलार्ज लैक्टोट्रॉफ्स हैं उनको भी सफिशियंट अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो डाई या अकर जाते हैं और फिर उसकी वजह से वो हॉर्मोन्स रिलीज नहीं कर पाते और हाइपोपिट्यूटरिज्म को लीड करते हैं. अगर चाइल्ड बर्थ के दौरान बहुत सारा ब्लड एक्सेस में लॉस हो गया वजाइना से, तो वो इन्फेक्शन को और प्रमोट करता है, क्योंकि ऑलरेडी पहले पिट्यूटरी ग्लैंड में ब्लड सप्लाई का बहुत ज़्यादा कमी हो रहा है, पर और उसके एडिशन में अगर वजाइना से भी या बॉडी से और अगर एक्सेस ब्लड लॉस हो गया चाइल्ड बर्थ के समय, तो वो इन्फेक्शन को प्रमोट करता है. पेशेंट्स में यूजुअली शीहान सिंड्रोम ऐसे प्रेजेंट होता है एज पुअर लैक्टेशन और लॉस ऑफ प्यूबिक हेयर, जहाँ पे लॉस ऑफ प्यूबिक हेयर बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज ये ऐसा होता है कि प्यूबिक हेयर के ग्रोथ के लिए एंड्रोजन नीडेड होता है एंड एंड्रोजन के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इम्पॉर्टेंट है. अगर शीहान सिंड्रोम की वजह से अगर हाइपोपिट्यूटरिज्म होता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट नहीं हो पाता है, तो ये प्यूबिक हेयर की ग्रोथ नहीं होती है. एंड वी सी दैट देर इज नो प्यूबिक हेयर इन द केस ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम शीहान सिंड्रोम. ऑल्सो वी विल सी लाइक क्लिनिकल फीचर्स इज एब्सेंट मेंसुरेशन, जिसको एमेनोरिया भी कहते हैं या फिर ओलिगोमेनोरिया भी हो सकता है, कोल्ड इंटॉलरेंस एंड फटीक. एम्प्टी सेला सिंड्रोम का मतलब होता है सेला टुर्सिका में पिट्यूटरी ग्लैंड का ना होना. अब इसके कॉज क्या है? द
नंबर वन इज एट्रोफी और कंप्रेशन ऑफ पिट्यूटरी। अगर किसी भी वजह से ब्लड सप्लाई की डेफिशिएंसी हो जाती है और पिट्यूटरी बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाता है तो हमें जो सेला टूसिका है वो एम्प्टी दिखाई देता है, इसी को एम्प्टी सेला सिंड्रोम कहते हैं। तो अगर इमेजिंग में देखा जाए तो एमआरआई और सीटी स्कैन में जो सेला टूसिका होगा वो खाली दिखेगा क्योंकि उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं दिखेगा। ऑफन ये कोई कॉज की वजह से नहीं होता है, कभी कभी रैंडमली हो जाता है, बट कॉमनली ये ओबीज फीमेल्स में देखा जाता है कि उनका जो सेला होता है वो एम्प्टी दिखाई देता है। एंड ऑल्सो इट इज एसोसिएटेड विद इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन। ये कंजनाइटल डिफेक्ट की वजह से भी हो सकता है, और क्योंकि और एक और मेन रीजन है ड्यू टू हर्निएशन ऑफ द एरेक्नॉइड एंड सीएसएफ इनटू द सेला जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंप्रेस करके डिस्ट्रॉय करता है। अभी होता कैसे, सपोज दिस इज द सेला टूसिका एंड या दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो सेला टूसिका में फर्स्ट कम्स द ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर, देन कम्स द एरेक्नॉइड मैटर, ओके, एंड पिया मैटर इज लाइंड अलोंगसाइड द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अगर एरेक्नॉइड मैटर यहाँ पे अगर सीएसएफ का हर्निएशन हो जाता है तो वो कंप्रेस करेगा ना पिट्यूटरी को। अगर एरेक्नॉइड में सीएसएफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का हर्निएशन हो जाता है तो फिर दिस कंप्रेसेस द पिट्यूटरी ग्लैंड और डिस्ट्रॉयज द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड लीड्स टू एम्प्टी सेला सिंड्रोम। पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी इज डिफाइंड द सडन हैमरेज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग पिट्यूटरी एडिनोमा। बिकॉज ऑफ कैंसर सेल्स इन द केस ऑफ पिट्यूटरी एडिनोमा द ब्लड वेसल्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड आर सो मच कंप्रेस्ड कि वो फाइनली बर्स्ट आउट हो जाते हैं लीडिंग टू हेमरेज। एंड जो पेशेंट्स होते हैं उनका कंप्लेन्स होता है दैट दे एक्सपीरियंस सडन ऑनसेट सीवियर हेडेक बिकॉज ऑफ हैमरेज। उनको हेडेक हो जाता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर एंड विजुअल इम्पेयरमेंट भी होता है। दिस इज बिकॉज क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट बीनीथ ऑप्टिक कियाज्म होता है, तो अगर कोई भी हैमरेज या ब्लीडिंग की वजह से जो ऑप्टिक कियाज्म कंप्रेस होता है तो इट कैन लीड टू बाइटेम्पोरल हेमियनोपिया। सिमिलरली अगर क्रेनियल नर्व 3 कंप्रेस होता है तो इट कैन लीड टू डिप्लोपिया। एंड वी कैन सी अदर फीचर्स ऑफ हाइपोपिट्यूटरीज्म इन द केस ऑफ पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपोपिट्यूटरीज्म? सो द फर्स्ट वन इज द एगैलेक्टोरिया व्हिच मीन्स द एब्सेंस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। दिस इज ड्यू टू डिक्रीज प्रोलैक्टिन। वी कैन ऑल्सो सी एमेनोरिया व्हिच इज एब्सेंट मेंसुरेशन। दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ लुटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थर्ड इज हाइपोथायरॉयडिज्म। दिस लीड्स टू लो ब्लड प्रेशर, कोल्ड इंटॉलरेंस एंड वेट गेन। दिस इज ऑल ड्यू टू लैक ऑफ थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड फोर्थ इज द एड्रिनल ग्लैंड इनसफिशियंसी। दिस इज ड्यू टू लो ACTH और एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन विच लीड्स टू लो सोडियम एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। फिफ्थ इज द फटीग एंड लॉस ऑफ मसल मास। दिस इज ड्यू टू लो ग्रोथ हार्मोन। लेट अस स्टडी अबाउट द ट्रीटमेंट। सो द ट्रीटमेंट इज सिंपल एंड इट इज टाइम टेकिंग एंड इट इज वेयर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इन विच बाई गिविंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, थायरोक्सिन, सेक्स स्टेरॉइड्स एंड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन वी यूजली ट्रीट द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाइपोपिट्यूटरीज्म। लेट्स सी अ क्लिनिकल सिनेरियो रिलेटेड टू दिस टॉपिक। In this scenario, a 23-year-old woman presents to her physician because of a persistent inability to breastfeed 7 months after giving birth. She reports severe fatigue and anorexia, weight loss, and lack of menstruation since the birth. Delivery was complicated by excessive blood loss, and she received 4 units of packed RBCs. She takes fluoxetine for depression. Blood glucose is 70 mg per deciliter. Which of the following is the most likely cause of the patient's symptoms? You can pause the video and take your time to answer. In this scenario, the inability to breastfeed and the fatigue, anorexia with lack of menstruation plus hypoglycemia suggests that this patient is suffering from hypopituitarism. Also with that, the additional
point given that the patient experienced excessive blood loss after delivery or during delivery, then the most likely diagnosis for this is Sheehan syndrome. So the most appropriate answer would be ischemic necrosis of the pituitary, which is due to Sheehan syndrome. The next scenario says a 53-year-old woman comes to the clinic because of several months of fatigue and worsening headaches. She also reports that she has been feeling cold and depressed most of the time. Her temperature is 37.1 degrees Celsius, pulse is 56 per minute, respirations are 14 per minute, and blood pressure is 118/82 mmHg. An MRI shows a mass in the cella torsica. A deficiency of which of the following hormone is most likely to account for this patient's symptom? You can pause the video and think of the answer. In this scenario, the symptoms of fatigue, worsening headaches, feeling cold and being depressed, this all directly indicates that this is the deficiency of thyroid stimulating hormone. One more key point here given is an MRI shows a mass in the cella torsica. So this can be the case of pituitary adenoma that is leading to hyperpituitarism and the decrease in the level of thyroid stimulating hormone. The third scenario says that an 8-year-old boy is brought to the pediatrician because of headaches and impaired vision for the past 7 to 10 days. Neurologic examination reveals bilateral temporal visual field defects. The rest of the physical examination is unremarkable. A non-contrast CT scan of the head is shown. Which of the following laboratory findings is most likely in this patient? You can pause the video and think of the answer. In this case, we see that there is recent onset headache with bitemporal hemianopia. So there is bilateral temporal visual field defects, which is bitemporal hemianopia, and of course the headaches. With the imaging showing the calcified cyst in the supracellar region. This is the classic sign for craniopharyngioma, which is mostly found in the children's. So, due to craniopharyngioma, what will happen will be the decrease in the growth hormone level. So, the answer will be the A, because the craniopharyngioma compresses the normal pituitary gland cells, decreasing the growth hormone level release. Thank you everyone for watching. If you enjoyed this video, please do like, share and subscribe. Press the bell icon for more updates.